नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अजय भांबी और हम बताने जा रहे हैं 24 तारीख का भविष्यवाणी। हमारी पहली राशि है मेष यानी एरीस। जो भी महत्वपूर्ण कार्य हैं उन्हें अपराह्न से पहले संपन्न कीजिएगा, दोपहर से पहले। बाद में ये स्थिति नहीं रहेगी। सुबह तो जो आप काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी, चाहे ये पार्टनरशिप हो, चाहे कोई नई एसोसिएशन हो, 12 बजे से पहले। अपराह्न के बाद थोड़ी ग्रह स्थिति वैसी नहीं रहेगी जैसी आप चाहते, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो भी आप डील करें, जो भी साइन करें, जो भी नया काम शुरू करें, उसमें आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। धैर्य और संयम से काम लेंगे तो अच्छा रहेगा। जोखिम उठाने से हानि होने का अंदेशा है। आपका शुभ रंग है सलेटी। अगली राशि है वृष यानी टॉरस। अच्छा दिन है, रुके कार्यों के बनने से काफ़ी राहत होगी। मन आपका काफ़ी शांत रहेगा, बीच में उद्वेलित था उसमें राहत प्राप्त होगी और कोई ऐसे कार्य के बनने का अपार हर्ष होगा जो आपने शायद पहले कभी किया था लेकिन उसका परिणाम नहीं आया था। उसका सडनली परिणाम आपके पक्ष में आएगा और इससे आप तो प्रसन्न होंगे ही होंगे, जितने भी आपके आसपास के लोग हैं दे विल ऑल्सो फील वेरी हैप्पी। इट्स ए ब्यूटिफुल डे इन ऑल रेस्पेक्ट्स। और इस दिन का पूरा पूरा लाभ उठाएँ और प्रेम संबंधों में काफ़ी गर्माहट देखने को मिलेगी और यात्रा भी हो सकती है। आपका शुभ रंग है लाल। अगली राशि है मिथुन यानी जैम। बेहतरीन दिन है, रुके हुए कार्यों के बनने का अपार हर्ष होगा और अगर आप किसी कंपटीशन में जा रहे हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। विरोधी चाहकर भी आपको हानि नहीं पहुंचा पाएंगे और कोई नई डील हो सकती है, कोई नया प्रोजेक्ट आपको ऑफर हो सकता है, कोई किसी महत्वपूर्ण कार्य के प्रारंभ होने की पूरी पूरी संभावना है और आज का दिन आपके लिए हर तरीके से अच्छा है और आपका आत्मविश्वास देखने लायक होगा और पारिवारिक जनों का पूरा सहयोग भी आपको प्राप्त होगा और कुल मिलाकर एक आशावान दिन है और किसी इच्छित कार्य के बनने का आप आशा। शुभ रंग है आपका गोल्डन। अगली राशि है कर्क यानी कैंसर। अच्छा दिन है और रुके हुए कार्य बनेंगे और जो भी आप अपने सोच समझ से फैसला लेंगे वो फैसला आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम देगा और काफ़ी दूरगामी भी होगा। उसके आपके इस फैसले के जो आपके परिणाम हैं दूर तक आते रहेंगे, कई दिनों तक आते रहेंगे, हो सकता है लंबा भी हो जाए, तो महत्वपूर्ण कार्य भी आपके पक्ष में संपन्न हो सकता है। अगर कोई मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है उसका फैसला आने को है तो यह फैसला आपके पक्ष में होगा और विरोधी चाहकर भी आपको हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। मन आपका काफ़ी प्रसन्न रहेगा और धन लाभ का योग चल रहा है। आपका शुभ रंग है लाल। अगली राशि है सिंह यानी लियो। अपराह्न से पहले थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, डोमेस्टिक उलझन हो सकती है और नौकरी में भी विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है, लेकिन उसके बाद आप महसूस करेंगे कि चीज़ें काफ़ी आपके फेवर में आने लगी और कार्य आसानी से संपन्न होने लगे। आप किसी महत्वाकांक्षी योजना में प्रवेश भी कर सकते हैं और आप क्रिएटिव हैं और क्रिएटिव फील्ड से संबंध रखते हैं तो उस फील्ड में आप कुछ विशेष कर सकते हैं या आप जिस तरह के सपोर्ट की या सहयोग की उम्मीद कर रहे थे अपने इस प्रोजेक्ट के लिए उसमें आप देखेंगे अपने विचारधारा के लिए उसमें ऐसे लोग स्वतः ही आपके समक्ष आएंगे और वे आपके इस कार्य को आगे बढ़ाने में पूरा पूरा योगदान प्रदान करेंगे। तो कुल मिला के एक बहुत ही बढ़िया दिन है जो भविष्य की संभावनाओं को प्रबल करता है। आपका शुभ रंग है सलेटी। अगली राशि है कन्या यानी वर्गो। अपराह्न से पहले जो भी महत्वपूर्ण कार्य हैं उन्हें संपन्न करेंगे तो आपको अच्छी सफलता मिलेगी, आसानी से कार्य संपन्न होंगे और जिन लोगों से आपको मिलना जुलना है, चाहे ऑनलाइन बात करना है, कोई महत्वपूर्ण कार्य करना है, कोई डील करना है तो अपराह्न से पहले करेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अपराह्न के बाद वैसी स्थिति नहीं रहेगी, कुछ इमोशनल डिस्टर्बेंस हो सकते हैं, हो सकता है कुछ डोमेस्टिक उलझन हो या और कोई उलझन हो, उसके चलते आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी सडनली डिप्लीट होने लगी, कम होने लगी और आप उतने जोश व खरोश में नहीं हैं जितने आप सुबह थे।
को धैर्य और संयम बना के रखें और जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए जिससे आपको आगे चलकर नुकसान हो। शुभ रंग हरा। अगली राशि है तुला यानी लीब्रा। अच्छा दिन है, धन लाभ हो सकता है और धन को लेकर जो भी अड़चनें थीं वो स्वतः समाप्त होने लगेंगी। और अगर आपको जो आपको उधार दिया हुआ धन वापस लेना है उसके लिए थोड़ा सा प्रयास करने से ही बात बन जाएगी। मित्र शुभचंद तक आपका साथ देंगे। यात्रा का योग बन रहा है और यह यात्रा आपको नया आयाम प्रदान करने में पूरी तरह से सहायक सिद्ध होगी। नए लोगों से जो भेंट होगी, मुलाकात होगी या जो भी कम्युनिकेशन के ज़रिए आप उनके संपर्क में आएंगे, ये संपर्क आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने में बहुत बढ़िया एक सपोर्ट सिस्टम टाइप हो जाएगा। इससे आपको काफ़ी लाभ भी होगा। आपका जो शुभ रंग है वो गुलाबी है। अगली राशि है वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो। अच्छा दिन है, उनके कार्यों के बनने का अपार हर्ष होगा, मित्र आपका साथ देंगे और पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी। जोखिम भी उठा सकते हैं, धन संबंधी कार्यों में अच्छा रहेगा और आप महसूस करेंगे कि जो आपके कार्य आसानी से बन नहीं रहे थे अब आसानी से बन रहे हैं। धन संबंधी कार्यों में भी काफ़ी सहूलियत देखने को मिलेगी और उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। परिजनों का पूरा सहयोग मिलेगा और परिवार में कोई महत्वपूर्ण कार्य भी हो सकता है। यात्रा का योग बन रहा है जो भविष्य में जाके कोई संपन्न होगी। आपका जो रंग है वो है सलेटी। अगली राशि है धनु यानी सेगिटेरियस। अपराह्न से पहले का समय थोड़ा ठंडा है, वहाँ पर कार्यों के बनने में दिक्कत आएगी, इसलिए वेट करेंगे तो अच्छा रहेगा। दोपहर के बाद जो भी महत्वपूर्ण कार्य उन्हें आप हाथ में लें उसमें आपको बहुत राहत प्राप्त होगी। ना केवल राहत प्राप्त होगी बल्कि कार्य बनेंगे, आपके मनोबल में वृद्धि होगी और कुछ नए ऑफर्स भी आपको आ सकते हैं प्रेमचंद बंधुओं के लिए। फिर बचा हुआ दिन बहुत अच्छा रहेगा और किसी पुराने मित्र या रिलेटिव पुराने नहीं होता जिनसे मुलाकात नहीं हुई उनसे मिलने का कोई सोपान भी बनेगा। कुल मिला के एक अच्छा दिन है। आपका जो शुभ रंग है वो ग्रीन है। अगली राशि है मकर यानी कैप्रिकॉर्न। अच्छा दिन है, विशेष दिन है, भाग्य भी साथ देगा और प्रयत्न भी साथ देंगे। जब भाग्य भी साथ दे रहा हो, प्रयत्न भी अच्छे हो रहे हो तो फिर आप मुश्किलों से आसानी से अपना रास्ता खोज लेते हैं। तो ऐसा दिन है जो आपको आगे बढ़ने में मदद प्रदान करेगा। अगर नौकरी में है तो आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे, अधिकारियों के साथ और सहयोगियों के साथ अच्छा तालमेल देखने को मिलेगा। व्यापार में भी उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। हो सकता है कि आगे चलकर आप कोई नया इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हो या कोई नया काम करना चाहते हो, उसके लिए भी आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। शुभ रंग है गुलाबी। अगली राशि है कुंभ यानी एक्वेरियस। अच्छा दिन है लेकिन अपराह्न से पहले जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी लेकिन यह स्थिति बाद में नहीं रहेगी, इसलिए ध्यान रखिएगा। जोखिम उठाने से हानि हो सकती है, जोखिम नहीं उठाना चाहिए। अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो उन लोगों से अवश्य परामर्श करें जिनको आप महत्व देते हैं या जिनको आप समझते हैं कि ये इंपॉर्टेंट लोग हैं या आपके लिए कारगर सिद्ध हो सकते हैं। यात्रा हो सकती है लेकिन अगर अनावश्यक यात्रा है और उसे टाला जा सकता है तो उसे टाल देना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। धैर्य और संयम से काम लें और झगड़ा फसाद से दूर रहें। आपका शुभ रंग है नीला। अगली राशि है मीन यानी पाइसिस। भाग्य के सहयोग से उनके भी कार्यों का अपार हर्ष होगा, मित्र शुभचिंतक आपका सहयोग प्रदान करेंगे। यात्रा हो सकती है और यह यात्रा आपके लिए नए आयाम प्रदान करने वाली सिद्ध होगी और कुछ ऐसे कार्य भी संपन्न होंगे जिनको लेकर आपके मन में कुछ दुविधा थी, ये कार्य आपके आसानी से संपन्न हो जाएंगे। प्रेम संबंधों के लिए ये आज का दिन बहुत अच्छा है और नया कोई प्रेम संबंध भी स्थापित हो सकता है। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए काफ़ी सहायक है और शुभ रंग के गोल्डन।